and back with the second part of my previous video and that video is based on the unit of cir uh, circumstance characterization and characterization is about uh, an uh, um, engine trouble that is our second story that is also written by R.K. narayan and that story is written in the date of 1943 and it was published in 1947 by the title of uh, an astrologer's day

Uh, और वो किस तरीके से अपनी परेशानी या अपनी uh, मुसीबतों का को रिकाउंट करें अपनी बातों को रिकाउंट करें और किस तरह से वो ग्रेट डिटेल में बताए मतलब तफसील में बताए ठीक है वो किस तरह से अपनी uh, परेशानियों को डिटेल में वाज करे तफसील में वाजह करें एंड दैट लाइक मिस्टर मीका बेर डेविड कॉपर फील्ड ही केप्ट होपिंग अगेंस्ट होप दैट सम डे देयर वुट कम हिज वे अ लम्ब समू मेक अमेंट्स फॉर ऑल दिस डेफिसिट एंड सफरिंगज और एक किरदार है आ, आ, मिस्टर मिकाबेर किरदार है डेविड कॉपरफील्ड नाम की एक बुक में ठीक है डेविड कॉपरफील्ड को कोई किरदार नहीं है हालांकि ये एक राइटर हैं लेकिन ये एक बुक का नाम है और मीका बैर एक किरदार का नाम है जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट से कहीं ना कहीं टैली करता है मैच करता है और वो भी ये इस उम्मीद के खिलाफ एक उम्मीद रखते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि कभी किसी दिन कोई एक ऐसा आएगा या कुछ ऐसा होगा जो उन्हें इस तरीके का को कोई ऐसा लमसम यानी कि कुल रकम या कोई ऐसी कोई ऐसी चीज उन्हें मिल जाएगी यहाँ पे लमसम लिखा है तो पैसे को ही रेफर कर रहा है ठीक है उन्हें एक साथ कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जो बेहतर कर देगी एमेंट्स का मतलब होता है दोबारा बनाना दुरुस्त करना और बेहतर करना ठीक है ठीक करना वो एमेंट्स का मतलब होता है और उनकी जो है उनके नुकसान को उनका जो घाटा है डेफिसिट का मतलब होता है घाटा नुकसान और उनकी परेशानियों को ठीक कर देगी ठीक है ही

Uh, ये हमारे किरदार के, के बारे में बात हुई है कि अब उसका कोई कमांड uh, नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर ना ही उसकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर अपनी uh, अपना कोई कमांड uh, है ठीक है ही इज अ मैन ट्रैप्ड बाय सरकम सो मच सो दैट फीलिंग टोटली डिफीटेड एंड डिजेक्टेड ही डिसाइड्स इन हिज वीकर मोमेंट्स टू लिव एवरी टू फेट एंड डिसअपेयर वन फाइन नाइट वो एक ऐसा इंसान है जो इतनी ज़्यादा हालात के जाल में फंस चुका है और मु, मु, पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खूर्दा है और डिजेक्टेड हो चुका है यानी कि बिल्कुल ही बाहर निकाला जा चुका है अपनी ज़िंदगी से उसका उसकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है और वो ये तय करता है अपनी ज़िंदगी के मुश्किल सॉरी वीकर कमज़ोर तरीन हालात में लम्हों में मोमेंट्स में कि वो सब कुछ अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दें और ग़ायब हो जाए एक रात ठीक है ये पैराग्राफ उसकी वाइफ के आ, के लिए है हीज़ वाइफ़ रिप्रजेंट अ टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ इसकी वाइफ जो है वो रिप्रेजेंट करती है यानी कि सानी है यानी कि बदल कह सकते हैं कॉपी कह सकते हैं इंडियन टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ जो होती हैं उस उसकी ये उसको ये, उन उन इंडियन हाउस वाइफ को ये रिप्रजेंट करती है अनेबल टू सफ़र हर हाउस हजबेंड्स आइडियो सिंक्रासेस और सो दे अपेयर टू एवरी वाइफ एनी मोर शी थ्रेटन्स टू राइट टू हर फादर टू कम एंड टेक हर अवे वो अब uh, अपने हसबैंड की कहावतों को बर्दाश्त करने का हौसला उसके अंदर अब बिल्कुल नहीं है वो नहीं वो नहीं कर सकती है ठीक है और ऐसा आ, आ, हर बीवी के सामने ऐसा होता है हर बीवी के आगे ऐसा आता है ये एक पर, ये एक ब्रैकेट में ये छोटा सा जुमला है जो हर बता रहा है ठीक है वो बिल्कुल भी नहीं आ, आप बर्दाश्त कर सकती है अपने हस्बैंड की कहावतों को और वो धमकी देती है कि वह अपने फादर को ख़त लिखेगी और बोलेगी कि उसे आकर के ले जाए नाउ थर्ड पैराग्राफ नो नेम्स ऑफ पर्सनस और प्लेस आर गिवेन बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट कोई नाम और कोई जगह का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि ये अहम नहीं है वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द टर्न नियर अशन इन द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन क्या इम्पॉर्टेंट है कि उन हालात को बताएं कि जो मुश्किल तरीन बना देती है काम इंसान की जिंदगी को किस तरीके से मोड़ लेते हैं हालात के आम इंसान तबाह तब बर्बाद हो जाता है ये इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से क्या होता है ज़िंदगी के में, में क्या मराहल आते हैं वो हमारे राइटर ने बहुत अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश की बताने की कोशिश की और ये अहम है यहाँ ये बता रहा है एवन सो द ऑथर मिस आउट एनी डिटेल और यहाँ तक कि हमारा ऑथर जो है वो uh, कोई भी ऐसी वाज वजाहत को मिस आउट नहीं कर रहे हैं वेन द प्रोक वेंट टू मीट द म्यूनसिपल चेयरमैन ही वेंट विद ग्रेट ट्रेपिडेशन एंड बटनड अपज ही एंटर द चेयरमैन रूम और और जब हमारे जो प्रोटोगानिस्ट हैं वो म्यूनसिपल के चेयरमैन में जब सॉरी म्यूनसिपल चेयरमैन के रूम में जब दाखिल होते हैं तो वो इतनी ज़्यादा घबराहट में है ट्रपिटेशन का मतलब घबराहट होता है वो बहुत ही बड़ी घबराहट में है ग्रेट ट्रेपिटेशन में है और क्या करते हैं रूम में दाखिल होने से पहले दाखिल होते हुए वो अपने कोट का बटन बंद कर देते हैं तो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी मैंने सारी लाइंस uh, को अच्छे से एक्सप्लेन किया है इफ़ एनी एनी वन थिंक्स दैट आई एम लैकिंग सम वेयर देन कम टू कमेंट सेक्शन एंड टेल मी एंड इफ एनी वन नीड्स एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी एम ई जीज विच इज़ रिलेटेड टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड विच इज़ रिलेटेड स्पेशली विथ इंग्लिश सॉरी आई एम नॉट गेटिंग दैट नेम इंग्लिश ऑनर्स Uh, which is related to ma and that is also uh, referring uh, from uh, in, uh, in uh, igno so come to comment section and ask me i will definitely try to give it and don't forget to like and subscribe